हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक झारखंड की मशहूर रेसिपी है जो ब्रेकफास्ट में बनाई जाती है और वो विलुप्त होती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं धुसका, वो बनाना बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने चावल भिगो लिया है और चने की दाल और उड़द की दाल एक साथ ही भिगोई है मैंने। अगर मान लीजिए आपने 4 चम्मच चावल का लिया है तो आप उसमें 1 चम्मच चने की दाल लेंगे और 1/2 चम्मच उड़द की दाल लेंगे, भिगो देंगे तीनों चीज़ों को 6 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। मेरे पास उड़द की दाल छिलके वाली थी तो मैंने इसको अलग भिगो दिया था और छिलका साफ़ करके फिर इसी में मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल और फेमस रेसिपी है जो झारखंड में नाश्ते के रूप में खाई जाती है। इसको आलू की सब्ज़ी या काले चने की सब्जी के साथ खाया जाता है। तो फ्रेंड, हम इसको पीस लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको पीसना है और 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है, क्योंकि हम इसमें फर्मेंटेशन के लिए कोई भी इनो या फिर सोडा नहीं यूज़ करेंगे। हमें इसे अपने ही आप इसको फर्मेंट होने देना है। आजकल गर्मी है तो ये 4 से 5 घंटे में बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं। हमारी इसकी कंसिस्टेंसी जैसे हम चीला वगैरह बनाते हैं वैसा ही रखेंगे। थोड़ा इसको बिल्कुल बारीक पीसना है, पानी डाल के आप अच्छे से इसको बारीक पीस लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम पीस लेते हैं। फ्रेंड, उसी के साथ दाल और चावल के साथ ही हम ये 5 से 6 हरी मिर्च ले लेंगे और अदरक का टुकड़ा मैंने इतना ले लिया है उतनी दाल और चावल के लिए। तो ये भी हम उसी के साथ पीस लेंगे। अदरक को छील के और मिर्च को धो के अच्छे से उसी के साथ हम पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने दाल और चावल के मिक्सचर को पीस लिया है और ये देखिए इतना गाढ़ा है ये, और अभी जब ये फर्मेंट होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसको ढक के और इसको 5 से 6 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे हम इसको ढक के रख देंगे। फिर मैं आपको 5 से 6 घंटे बाद बताती हूँ कि ये आपको कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, जो हम धुसका बनाएंगे उसके लिए हमें पहले आलू की सब्ज़ी हम अब बना लेते हैं। तो आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए, मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है कुकर में। आलू हमें इसके लिए कच्चे ही चाहिए होंगे, तो मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच तेल का डाल लिया सरसों का और इसको गरम होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तेल गरम हो गया है। इसमें हम हींग, 1/2 छोटा चम्मच हींग और 1 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देंगे और 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हमें ब्राउन होने देना है। फिर ये देखिए, मैंने टमाटर काट लिया है। ये मैंने 6 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें काटी हैं। इसको हम डाल देंगे। टमाटर इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो सब्ज़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। और ये अदरक है, इसको भी हम घिस के डाल देंगे। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, अभी हम इसको घिस के डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अदरक भी डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और गैस को धीमा कर देंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। ये देखिए, नमक हमने स्वाद अनुसार डाल दिया है और मसाले भी डाल देंगे और इसको भुनने देंगे। ये देखिए, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का डाल दिया मैंने, 2 चम्मच में धनिया का डालूंगी 1 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको मसाले को भुनने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा सब्जी का मसाला भुन चुका है, तेल छोड़ दिया, अच्छे से टमाटर गल जाना चाहिए। तो और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ये देखिए, मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू काटे हैं। 1 आलू का बस मैंने 4 भाग किया है, बड़े बड़े टुकड़े हैं आलू के, छोटा आलू हमें नहीं काटना है। इसको हम उसी में मिक्स करके 4 मिनट 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम आलू की सब्ज़ी में 2 गिलास पानी डाल के और इसको हम पकने के लिए चढ़ा देंगे। हमें लगभग इसमें 4 से 5 सीटी लगानी है, क्योंकि हमने कच्चे आलू और मोटे मोटे काट के लिए हैं, तो हमें 4 से 5 सीटी इसमें लगानी है। बहुत हाई फ्लेम पे मत लगाइएगा सीटी को, 1 सीटी फुल फ्लेम पे, बाकी 3-4 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए सब्जी को हम पकने देते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी तब तक सब्जी पक रही है। जो हमने ये चावल और दाल का मिक्सचर पीसा था धुसका के लिए, वो भी रेडी है, फर्मेंट हो गया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा। मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच से कम हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मैंने डाल दी है। लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करके फेंट लेंगे हम अच्छे से।
ये देखिए फ्रेंड मिक्सचर रेडी है, मैंने सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम तेल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में। ये देखिए फ्रेंड हमने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है, तेल को हम चेक कर लेंगे गरम हुआ कि नहीं। आप डाल के देखिए तुरंत ऊपर आ जाए तो इसका मतलब तेल गरम है, और हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम ये देखिए ऐसे स्पून में भरेंगे और इसको एक जगह ही डालेंगे ऐसे, ये देखिए, और ये अपने आप ही फैलेगा और अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही हमें इसको बनाना है, एक एक करके ही डालिए। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आप दो डाल सकते हैं, नहीं तो एक एक करके ही डालिए। ये देखिए हम पहले एक तरफ थोड़ी देर इसको पकने देंगे, फिर इसको पलटेंगे। ये देखिए हमने पलट दिया है और ये बहुत अच्छे से फूल रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, क्योंकि दाल चावल सारी चीज़ें कच्ची हैं, तो स्लो फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा, बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा। ये देखिए फ्रेंड एक हमारा दुस्का बन गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरा भी डाल लेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाए तो थोड़ा सा उसको गैस को धीमा कर लीजिए। ये देखिए ऐसे ही हम डालेंगे, फिर से एक एक जगह ही डालेंगे बीच में, जिस हिसाब से आपको बड़ा छोटा बनाना है उतना ही डालिए। और अगर ये फर्मेंट अच्छा नहीं हुआ होगा तो फट जाएगा, बनेगा नहीं। और आपको फर्मेंट के लिए इसमें कुछ भी एडिशनल चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, सोडा या फिर इनो। आप अपने आप ही इसको फर्मेंट होने दीजिए, तभी आपका दुस्का अच्छा बनेगा। एक साइड से पकने के बाद ही हम दूसरे साइड से पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड ये भी हमारा पक चुका है, ऐसे ही हम और भी डाल देंगे और ऐसे ही हम सारे दुस्का बना लेंगे जब तक हमारी सब्जी बनती है। मेरी कढ़ाई छोटी है, आपकी बड़ी कढ़ाई हो तो आप दो भी डाल सकते हैं। तो चलिए सारे एक जैसे दुस्का हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड हमारी सब्जी बन गई है, लेकिन अब हम आलू को थोड़ा सा इसमें मैश कर देंगे। ये सब्जी थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। और अब हम आलू, बड़े बड़े आलू हमने काटे थे, इसको थोड़ा सा मेथी में छोटे कर लेने तोड़ के। और अब हम धनिया डाल लेंगे और हमारी सब्जी बन के रेडी है और दुस्का भी बन के रेडी है। मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारा दुस्का और आलू की सब्जी रेडी है। तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही रेसिपी को फॉलो करिए, ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन जाती है। बस आपको थोड़ा सा फर्मेंट करने के लिए चावलों को रखना पड़ता है, बस इतना ही होता है, बनाने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।